रामपुर में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। देश के अन्नदाता के चेहरे पर मायूसी छा गई है। धान की पूरी फसल पानी में डूबी, किसान भुखमरी की कगार पर। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। यूपी के रामपुर में पिछले 4 दिन से हो रही भारी बारिश से आम इंसान का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस बारिश की सबसे ज्यादा मार देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को झेलनी पड़ रही है। उसकी धान और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पूरी फसल पानी में डूबी हुई है और उस किसान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। बहुत से गरीब किसानों ने धान की फसल लगाने के लिए उधार पैसे लिए थे, फसल काटने के बाद वापस देने का वादा किया था। अब किसान की फसल ही नहीं रही तो वह कहां से कर्ज देगा और अपने मासूम बच्चों को क्या खिलाएगा, ये सोचने वाली बात है। और तो और, किसानों के हितैषी कहने वाली भाजपा सरकार के अधिकारियों ने भी अभी तक किसी किसान की सुन नहीं ली है। बेचारे किसान को इंतजार है कोई तो हाथ उनकी मदद के लिए आगे आएगा और उनकी मदद करेगा। कुछ किसानों की फसलें पानी में इतनी डूब गई हैं कि उनकी फसल नजर ही नहीं आ रही है कि उसकी फसल कहाँ गई। लगातार ही तमाम भारी बारिश हो रही है यहाँ पर और जिसकी वजह से हमारी फसलों में पानी इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर कोई भी प्रशासन वाला या कोई भी सरकार का कर्मचारी वगैरह कोई भी देखने नहीं आया है और खेतों में तमाम पानी इकट्ठा हो गया है जिससे बहुत भारी उससे नुकसान है हमें। और अब ये 6 महीने की फसल बिल्कुल ही हमारी नष्ट हो गई है। अब क्या खाएंगे हम, बिल्कुल ही नष्ट पे आ गया है और कोई सरकार का या प्रशासन का आदमी किसी ने आके यहाँ पर नहीं देखा है। बारिश से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। हाँ, नुकसान बहुत है। आप देख सकते हैं कि पानी धानों में काफ़ी भर गया है और ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 4 दिन से लगातार तमाम भारी बारिश हो रही है यहाँ पर और कोई भी प्रशासन का आदमी या सरकार का आदमी यहाँ पर देखने नहीं आया। नुकसान ही है साहब, ये खाने का सहारा, ये ख़त्म हो गया सब मामला। अब कर्ज लेकर लगाया था लोगों ने, अब बच्चे भी वैसी रह गए, फसल के ऊपर रहता है काश्कार। तो 6 दिन से बारिश हो रही है। 6 दिन हो गए लगातार बारिश को, कोई शासन कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ देखने के लिए। पानी बहुत है खेतों। हाँ, सब में पानी भरा है। फसल को ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही सारा टोटल फसल का नुकसान है और सब जानवरों का भी नुकसान हो रहा है। चारा ही नहीं बचा, चारा जो था वो नष्ट हो गया। जानवर भूखे हैं।